नंबर तो आना नहीं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, हाउ फील इनसाइड द पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह आने से ना बहुत सारा जानवर मिल जाता है देखने के लिए। जी, हमने शेर को देखा और एक हिरन था उसके पीछे पड़ रहा था, तो हमने देखा कि बहुत अच्छा लगा शेर देखने के लिए। यानी आपको जो बहुत रेयर शॉट होता है, हंटिंग शॉट मिला आपको। हाँ। टाइगर का हंटिंग शॉट जिसको बोलते हैं हंटिंग शॉट, और बहुत वेरी रेयर शॉट होता है ये। तो आपने फर्स्ट टाइम आए हैं जिम कॉर्बेट? हाँ। तो फर्स्ट टाइम में आपको ये शॉट मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिम कॉर्बेट साहब भी अपनी जीवन में दो तीन बार ये शॉट देख पाए थे। जिम कॉर्बेट साहब 1908 में यहाँ पर रहते थे। ये 1908 का बंगला है, ये जिम कॉर्बेट साहब के समय का बना हुआ है। लेकिन आप लोगों ने पहली बार आके एक डियर को मारते हुए, उसके पीछे भागते हुए टाइगर को देखा। वंडरफुल शॉट। तो आने वाले पर्यटकों के लिए आप क्या कहेंगे? आ जाइए, मगर जल्दी आ जाइए, सुबह सुबह। अर्ली मॉर्निंग दी बेस्ट है, मॉर्निंग आना चाहिए। ये तो आप लोग हैदराबाद से हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, वैसे सर क्या काम करते हैं आप? मिनिस्ट्री में काम करता हूं। मिनिस्ट्री में? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कोल में। मिनिस्ट्री ऑफ कोयला। कोयला। तो काफ़ी अच्छा लगा आपको फील, और फीलिंग इनसाइड द पार्क द बेस्ट है। तो गुड लक, यानी कि आपके जो सफारी है वो सक्सेसफुल हो गई है। क्योंकि जो लोग टाइगर देख लेते हैं उनकी सफारी सक्सेसफुल मानी जाती है। तो हमारी सर्विस आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा है, बहुत। मैं आर के राही, मेरा चैनल है राही एंड लाइफ। आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल, फैमिली मेम्बरों को दे सकते हैं। इस चैनल पर आप जिम कॉर्बेट की सारी जानकारी ले सकते हैं, राही एंड लाइफ। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। ले लीजिए, हमारे मोबाइल पे भी।